हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू दी आवर सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट बिल्डिंग लोड्स। जैसे कि आप अगर बिल्डिंग बना रहे हैं, तीन मंजिला है वो, दो मंजिला हो, एक मंजिला हो, तो सारा बिल्डिंग का लोड आप कैसे कैलकुलेशन कीजिएगा, क्योंकि तभी तो आपको पता चलेगा कि सारा बिल्डिंग का लोड कैलकुलेशन करने के बाद आपको जो है फुटिंग में जाना है, और फुटिंग में जो सारा बिल्डिंग का लोड जो है आपका मिट्टी सॉइल जो है बियरिंग कर पाएगा कि नहीं। तो पूरा लोड कैलकुलेशन करने के बाद ही जो है आपको सॉइल बियरिंग कैपेसिटी जो है आपको निकलना है। तो जैसे कि कमेंट में आया था कि बिल्डिंग का लोड जो है कैलकुलेशन कैसे करते हैं, पूरा बिल्डिंग का या तो फिर कोई ब्रिज का, तो इसलिए जो है टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज जो है स्टार्ट करेंगे हम लोग बिल्डिंग लोड कैलकुलेशन पार्ट वन। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिल्डिंग लोड कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है, और आपका ज़रूरत जब जिस जिस चीज़ का ज़रूरत है उसको आप इकट्ठा करने के बाद जो है पहला स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बिल्डिंग लोड कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास होना चाहिए ड्रॉइंग। जैसे कि ये देख रहे हैं ड्रॉइंग, ये हो गया आपका फ्रंट एलिवेशन, कि आपका सामने जो है बिल्डिंग इस तरीके का दिखेगा। यहाँ देख रहे हैं 1 2 3, तीन मंजिला बिल्डिंग है फ्रंट एलिवेशन। साथ ही साथ जो है आपका 2D ग्राउंड, ये हो गया आपका ग्राउंड प्लान, 2D प्लान ग्राउंड फ्लोर, 2D प्लान फर्स्ट फ्लोर, 2D प्लान सेकंड फ्लोर, ये चारों प्लान आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ये हो गया आपका क्रॉस सेक्शन BB जहाँ लिया गया है, जहाँ देख रहे हैं CC, उसके बाद यहाँ पर BB क्रॉस सेक्शन लिया गया है, उसके बाद यहाँ पे भी क्रॉस सेक्शन लिया गया है CC, जहाँ CC दे यहाँ पे क्रॉस सेक्शन लिया गया है। सिमिलर स्टेयर केस, यहाँ पे आपका ये क्रॉस सेक्शन लिया गया है, जहाँ कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन लिया है। उसके बाद ये आपका टॉप फ्लोर, टॉप में जो है आपका स्लैब जो है कुछ इस तरीके का आएगा, स्लोप वाला, स्ट्रेट नहीं। तो इतना सारा डेटा आपके पास होना चाहिए, ये आपका कंप्लीट मान लीजिए कि ड्रॉइंग। उसके बाद जो है आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, जब आपके पास ड्राइंग आ गया तो आपके पास होना चाहिए इसका ड्राइंग, मतलब BBS और लेआउट का ड्राइंग, क्योंकि आपको पता चल गया कि बिल्डिंग तीन मंजिला है, इतना इतना रूम है, इस रूम का साइज। उसके बाद आपको पता लगाना होगा कि आपका फुटिंग और लेआउट कैसा है। जैसे कि ये हम लोग को देखेंगे, ये हो गया लेआउट यानी फुटिंग, इतना हम लोग को खोदना है। तो आपके पास प्लान फॉर एक्सकेवेशन, तो एक्सकेवेशन के लिए ये प्लान है, तो आपके पास ये प्लान भी होना चाहिए। यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है जो 15 mm लंबा चौड़ा है। उसके बाद ये प्लान हो जाने के बाद नेक्स्ट आपके पास आना है, जैसे कि ये हो गया आपका टॉपिकल क्रॉस सेक्शन फॉर 10 इंची ब्रिक वॉल। आपके पास आ जाना है कि इसके बाद जो है आपको क्रॉस सेक्शन ऑफ वॉल, मतलब ये जो बिल्डिंग है आपका ये लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है। तो ये हम लोग फुटिंग बना दिए, फुटिंग में क्या किए PCC कर दिया, PCC के ऊपर हम लोग को RCC करेंगे। तो RCC करने के लिए ये हो गया हम लोग का फुटिंग, यहाँ देख रहे हैं इस तरीके का हम लोग RCC करेंगे, या फिर इस तरीके का। तो RCC जो है हम लोग का होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब जो ग्राउंड लेवल है उससे 15 cm नीचे जाएगा, ग्राउंड लेवल से 15 cm नीचे हम लोग गड्ढा करेंगे। उसके बाद 75 mm हम लोग सैंड फिलिंग करेंगे, 75 mm ब्रिक फ्लैट ब्रिक एक ईटा करके बिछाएंगे। उसके बाद 75 mm PCC यानी 3 इंची PCC करेंगे, उसके ऊपर 400 mm जो है हम लोग RCC करेंगे, यहाँ दिख रहा है 400 mm। तो 15 cm में से 400 75 75 75 जो माइनस हो गया उसके ऊपर जो है आपका, उसके ऊपर से लेकर ग्राउंड लेवल तक ये GL आपका 15 इंची ब्रिक वर्क होगा, सारा वॉल में होगा आपका, ये यहाँ से लेकर यहाँ सारा वॉल में जो है आपका 15 इंची का ब्रिक वर्क होगा, कहाँ ग्राउंड लेवल तक। यहाँ तक तो आपको क्लियर है, ग्राउंड लेवल तक सारा जो है आपको 15 इंची का ब्रिक वर्क होगा। उसके बाद ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल जो है आपका 600 mm का हाइट है, जहाँ देख रहे हैं 600 मतलब 2 फीट। तो ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल जो होगा आपका 10 इंची का ब्रिक वर्क, यहाँ लिखा हुआ है, दिखाया हुआ है 10 इंची का ब्रिक वर्क, जहाँ देख रहे हैं
तो 10 इंच का ब्रिक वर्क जो है 250 mm में दिखाया हुआ है, और 10 इंच का ब्रिक वर्क 2 फीट आने के बाद हम लोग प्लिंथ लेवल तक आ जाएंगे। तो हम लोग उसके बाद जो है आपको ये भी देखना है कि कॉलम का साइज क्या है, जहाँ देख रहे हैं डिटेल्स ऑफ स्टिफनर S1 कॉलम का साइज दिया हुआ है यहाँ पे 200x250x250, S2 250x250, S3 250x350। आपको कॉलम का साइज भी देखना है, उसके बाद आपका लिलटेंस यहाँ पे डिटेल से जो लिलटेन का लोड आएगा तो लिलटेन किस तरीके का बना हुआ है, साथ ही उसके बाद आएंगे स्टेयर केस में हम लोग जानेंगे कि स्टेयर केस कितना लंबा है, कितना स्टेयर दिया है, कितना राइजर, कितना ट्रेड दिया है। तो यहाँ पे दिखाया हुआ कि कितना राइजर, कितना ट्रेड आपका यहाँ पे दिया हुआ है 11 इंची का और राइजर है 6 इंची का। तो इसको जो है आपको स्टडी करना होगा। तो हाउ टू कैलकुलेट बिल्डिंग लोड Part 1, आज हम लोग देखें कि ड्राइंग देखें और उसका एक्सकेवेशन प्लान देखें। उसके बाद ये हो गया आपका फ्लोर का, जैसे कि ये हो गया हम लोग का सेकंड फ्लोर स्लैब, ये हो गया हम लोग का ग्राउंड फ्लोर स्लैब। उसके बाद इसको देखेंगे क्योंकि स्लैब का भी तो लोड वेट लेना है हम लोगों को, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो आज इस वीडियो में हाउस बिल्डिंग कैलकुलेशन Part 1 में हम लोग देखें ड्राइंग और एक्सकेवेशन प्लान, जिसमें हम लोग जो चीज़ हम लोग का ज़रूरत है वो हम लोग इसमें स्टडी किए। और आने वाले Part 2 में हम लोग देखेंगे कि फुटिंग से लेकर प्लिंथ लेवल तक बिल्डिंग का लोड कितना आता है, पूरा कैलकुलेशन करेंगे और जो हम लोग जानेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में सारी जानकारी जो है आपको मैंने अच्छे तरीके से दे पाए होंगे। फिर भी कहीं डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको किसी भी तरह का सुझाव है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आने वाले वीडियो में Part 2 में हम लोग देखेंगे प्लिंथ लेवल तक बिल्डिंग लोड कैलकुलेशन, कितना लोड आता है बिल्डिंग का। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।